सीआर की तरफ से कल जैसे ही यहाँ पे लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास उन्होंने अपने सारे एस्पिरेंट्स को मेल करना स्टार्ट कर दिया, जो भी एस्पिरेंट ने पीजी और पीएचडी का एग्ज़ाम दिया हुआ था, कि आपका रैंक कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है और आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अराउंड 2:20 के आसपास आपको टेलीग्राम पर भी सबसे पहले मैंने अपडेट कर दिया हुआ था कि आप लोग अपना ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बनाने का जो मेरा मेन पर्पस है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि हमारी जो काउंसलिंग है वो आखिर कब से स्टार्ट होगा, हमारा यूजी का जो रैंक कार्ड है वो आखिर आगे कब तक आ रहा होगा, और हमारी जो काउंसलिंग है यूजी पीजी पीएचडी सभी एस्पिरेंट्स के लिए आखिर कब तक स्टार्ट हो रही होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुछ और भी मेजर बिग अनाउंसमेंट इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ, जिससे जो भी स्टूडेंट लाइक वेट कर रहा था, कई दिनों से मैसेज कर रहा था कि भैया आपकी पर्सनल काउंसलिंग फॉर पीजी और पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए कब अनाउंस होगा, तो ये भी चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, किससे आप तरीके से लाइक मेरी हेल्प ले सकते हैं अपने काउंसलिंग जर्नी में और कैसे आप हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, ये सारा चीज़ भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। मेक श्योर अगर आप इस वीडियो चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है ऋतुराज सिंह यार, मैं पिछले 3 साल मतलब 2020 से ICR के रिगार्डिंग वीडियो बनाते आ रहा हूँ। आपको सारा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा डिटेल्ड में। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम पे भी एक प्यारा सा चैनल है स्टूडेंट्स बस, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको सारी अपडेट्स सबसे फास्टेस्ट वे में आपको मिलती रहती है। बात करते हैं यार सबसे पहले जिन भी लोगों को यहाँ पे रैंक कार्ड मिल चुका है, मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आई होप कि आपने जो भी एग्ज़ाम में मेहनत किया होगा उसके रिस्पेक्टिव आपको आपको रैंक कार्ड मिल चुका होगा। तो कमेंट बॉक्स में यार अपना एक बार रैंक कार्ड जरूर मेंशन करके बताना, सॉरी यार फॉर बैकग्राउंड नॉइजेस, कमेंट बॉक्स में अपना एक बार रैंक कार्ड मतलब रैंक जो आपका ओवरऑल आया हुआ है और आपका जो भी लाइक रिस्पेक्टिव कैटेगरी है कौन सा एग्ज़ाम कैटेगरी में, एंड आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो भी एक बार मेंशन जरूर कर देना। बात करते हैं यहाँ पे दूसरी बात की, सर हमारी काउंसलिंग आखिर अब कब स्टार्ट हो रहा होगा। देखो अगर नॉर्मली ट्रेंड की बात करें तो ICR जब भी आपका रैंक कार्ड को रिलीज़ करता है, अगर पीजी पीएचडी के एग्ज़ाम्स की बात करें स्पेशली, 1 वीक के अंदर आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके च्वाइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन ये जो सभी प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। इस ईयर के लिए अगर बात करें तो चूंकि अभी तक आपका जो काउंसलिंग ब्रोचर है ये न ही यूजी के लिए आया हुआ है, न ही पीजी के लिए आया हुआ है, न ही पीएचडी एस्पिरेंट्स किसी के लिए भी नहीं आया हुआ है, तो अगर यहाँ पे कोई भी मेजर बदलाव होता है काउंसलिंग के प्रोसेस में, जैसे अगर आप यूजी के लिए देखेंगे तो अभी डॉक्यूमेंट्स एंड उनका लाइक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, जो कि पिछले सालों में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें कोई बदलाव वगैरह आता है तो वो भी आपको सारी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा, बट फिलहाल में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें अभी ICR फॉलो किया हुआ है आपका लाइक रैंक कार्ड को रिलीज़ करके, तो कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विद इन 1 वीक मतलब 7 या फिर 5 अक्टूबर तक आपके काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। वही अगर बात करें लगभग जो यूजी का एस्पिरेंट है उसके लिए भी रैंक कार्ड 7 अक्टूबर मैक्सिमम ये चीज़ें आपका जा सकता है, चूंकि ये एक्सपेक्टेड है। हालांकि ICR बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करता रहता है, इवन आई नो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस मोमेंट पर काफ़ी डिप्रेस्ड भी है, थक चुका है, परेशान हो चुका है, तारीख पे तारीख और ICAR को यहाँ पे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हमें इतने सारे बच्चों का फ्यूचर है, तो कहीं ना कहीं हम काम को थोड़ा सा एक्टिवली करें, जल्दीबाजी में करें, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दें, पर चीज़ों को बहुत ही अच्छे से वो भी कर सकते हैं थोड़ा जल्दी में, है ना। तो बट आई डोंट नो यार जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉई हैं कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि यार बात आती है कि हमारा जो काउंसलिंग है वो तो हमारा विद इन 1 वीक के अंदर जैसे ही आपका शेड्यूल आएगा या फिर काउंसलिंग ब्रोचर आएगा, अपडेट आएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जो लाइक बोल रहे थे कि भैया आपकी पीजी और पीएचडी के लिए जो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है वो आखिर कब स्टार्ट हो रहा होगा। सो यस, यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट को लाइक मेरा पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसके साथ साथ है ना उनको अपने रैंक पे बेस्ट पॉसिबल डिजर्विंग कॉलेज चाहिए, तो ऐसे सभी एस्पिरेंट्स के लिए हमारा जो पीजी और पीएचडी का जो एस्पिरेंट है जो ICR में अप्लाई किया हुआ, जिनको रैंक कार्ड मिल चुका है, अगर उनको मेरी नीड है तो अब आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके कुछ मिनिमम चार्जेस हैं जो कि आप पे करके हमारा पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, और इसमें आपको जो भी आपके रैंक रिस्पेक्टिव आए हुए हैं उस पर जो भी बेस्ट पॉसिबल आपको कॉलेज मिल सकता है, यूनिवर्सिटी मिल सकती है, या फिर आपको जो भी बेस्ट डिजर्विंग सीट मिल सकता है वो भी आपको दिलवाने के लिए मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा, एंड आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बेहतर आपको सपोर्ट कहीं भी नहीं मिल पाएगा, और ये चीज़ें आप लास्ट में खुद रियलाइज़ करेंगे जब आपको सीट अलॉट हो रहा होगा, आपके रैंक पे जो भी बेस्ट पॉसिबल डिजर्विंग कॉलेज मिल रहा होगा।
साथ में अगर बात करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ज्वाइन करने के लिए, सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे ऋतुराज सिंह MZP सर्च कर लेना है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाना है, फॉलो करना है एंड सिंपली आपको मैसेज करना है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर पेड काउंसलिंग फॉर जो भी एग्जाम्स है यार आपके, लाइक PG या फिर PhD के लिए। आप सिंपली मैसेज करेंगे एंड मैं फर्दर आपको डिटेल सेंड कर दूंगा, QR आपको मिल जाएगा वहाँ पे आप पे करके, एंड फर्दर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा एंड व्हाट्सएप पे आपको एक मेरा लाइक फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स लाइक आपके एग्जाम्स कौन सी कैटेगरी है, डोमिसाइल क्या है ना, तो ये सारा रैंक क्या है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा जिससे मेरे पास आपका वो चीज़ रहे, इन फ्यूचर जो भी आपके लाइक सपोर्ट है उसको हेल्प करने के लिए मुझे उससे मदद मिलती रहती है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, जो स्टूडेंट परेशान है या फिर चाहता है कि हमारी काउंसलिंग स्मूथ हो, स्ट्रेस फ्री हो, हमसे कोई मिस्टेक ना हो, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो मिलते हैं जल्द ही, हमारा जो फर्दर अपडेट आता है मतलब रैंक कार्ड या फिर जो भी चीज़ आता है ICR की तरफ से UGPG सभी के लिए, वो चीज़ भी आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा।